लाइन जो है टेलीग्राम काफी बेस्ट चलेगी। क्या फ्रॉड हुआ है बताओ। ये व्हाट्सएप पे मैसेज आया था मुझे, मतलब इंस्टाग्राम के थ्रू लिंक मिली थी कि वर्क फ्रॉम होम के लिए, जो वर्क फ्रॉम होम के लिए। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे लोग कांटेक्ट करे मेरे को, फिर वहाँ से टेलीग्राम टास्क ग्रुप में ऐड करे। पहले 200 या 300 का रिचार्ज करना पड़ता मुझे, उसके बाद में मेरा एक सेकेंड तो अमाउंट बढ़ाते गए। उसके बाद में तो अराउंड 26,000 तक ले लिया सैमी को, नहीं मालूम था। उसके बाद में मैं यूट्यूब पे देखी और फिर मैं जो तो ये एक ही देखी दिन में आपसे 26,000 ले लिए, धीरे धीरे करके जी लिया। सर, एक ही दिन में 26,000 ले लिए सर जी। अच्छा ठीक है, तो क्या बोल के ले लिया 26,000? ये रिचार्ज तो प्रीपेड आपको टास्क कोई बदले में रिटर्न पैसा दिया उन्होंने? जी सर, रिटर्न पैसा जब स्टार्टिंग में कुछ मेरे जो मतलब 500 लिए थे उसमें ऐड करके बोलो 780 मेरे अकाउंट में डाली थी सर मतलब इनिशियली कुछ पैसा आपको दिया आपका विश्वास बनाने के लिए, और जी फिर सर। बाद स्टार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट कराते गए और कुछ रिटर्न में नहीं दिया, और इस जी जी तरीके से करीबन 26,000 रुपये आपसे ले लिए। ये कब हुआ? आज ही हुआ है? जी नहीं सर, ये हुआ है 1 मई तो आपने इसको लेके कोई कंप्लेन नहीं किया जी उस सर। समय? मैंने क्या साइबर क्राइम में मैंने तो कंप्लेंट फिर भी किया और मुझे एक्नॉलेज में नंबर भी तो मिला था सामने वाले उसका। का अकाउंट नंबर, UPI ID, जहाँ पे आपने पेमेंट किया था वो मेंशन किया था आपने? जी सर तो कोई मैंने अकाउंट पूरे फ्रीज हुआ था उसका? नहीं, नहीं, कोई मैसेज तो नहीं आया सर, बस ये एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला साइबर क्राइम एक्नॉलेजमेंट नंबर तो कंप्लेन नंबर हो गया, बट जी। आपने सामने वाले का कोई अकाउंट नंबर कंप्लेन आपने क्या किया था? कॉल करके किया था या रिटर्न फॉर्मेट में किया था? जी सर मैंने कॉल करके फिर व्हाट्सएप के थ्रू मैंने तो सब स्क्रीनशॉट जो भी तो पेमेंट साइबर व्हाट्सएप कहाँ किस नंबर पे भेजा था? क्राइम, साइबर क्राइम नंबर से फोटो तो साइबर क्राइम जी वालों ने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जी था, कहा था कि मैसेज इस पे किया सारा कुछ भेज दीजिए। तो जी। मेरा नाम आपने किस नंबर नंबर पे कॉल किया था? 1930 पे? 1930 यस तो वो तो आपने ठीक है, व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें मांगी आपने, बट आपने खुद से ऑनलाइन साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाके कोई कंप्लेन नहीं किया? जी। नहीं सर मैंने सिर्फ ये कंप्लेन, ऐसे भी कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है ना सर। नहीं, कंप्लेन तो रजिस्टर्ड होती है ना, बट सामने वाले का अकाउंट डिटेल, कितना अमाउंट आपने जी सर ट्रांसफ़र मैंने किया, हाँ उसका पूरी डिटेल्स, ट्रांजेक्शन आईडी, ये सारा। ट्रांजेक्शन आईडी जी सर, तो ट्रांजेक्शन आपकी आईडी का कंप्लेन में फिर अभी उन्होंने कंप्लेन किया तो उसमें ये सारा चीज़ लिखा नहीं लिखा, वो फिर वो हो जाता है ना नहीं सर उसमें। लिखा तो मैंने वो ट्रांजेक्शन सामने वाले आईडी का अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, उसका कोई मैसेज होल्ड का आपने जब कंप्लेन नंबर कंप्लेन कॉपी डाउनलोड नहीं की? नहीं सर। जब मैंने कंप्लेन की पूरी स्क्रीन, वो लोग बोले कि व्हाट्सएप पे मैसेज करे थे और पूरी, और मैं जो भी वॉलेट से अमेज़न की वॉलेट से मैंने पेमेंट किया था तो उसका सारा ट्रांजेक्शन जो भी आईडी पे उन लोग ठीक है, का आपने रेफरेंस भेजा तो फिर उस आईडी में कोई जी भी अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ? जी नहीं सर, सर मैसेज तो नहीं आया, बस मेरी जो कंप्लेन थी वो मेरे नियरेस्ट ब्रांच पर ट्रांसफर तो हुई फिर हुई थी वहां पर से क्या जी हुआ? सर। मैं अभी घर पर नहीं मालूम सर, अभी मैं जस्ट हाउस वाइफ हूँ, अभी मैं बाहर नहीं निकल सकती। जस्ट एक लिंक दे रही तो मैं ट्राई कर रही थी लेकिन तो स्कैम हो गया था अच्छा, तो अभी कहीं आप गए नहीं इसको लेके, तो जी। आप ना एक बार अब चेक करिए फैमिली कि जी सर, क्या फैमिली हुआ। में भी अभी नहीं मालूम, मतलब तो आप वो चाहते नहीं हो कि किसी को पता भी चले, जी वरना वो थोड़ा क्या? अमाउंट जो था सर 20,000 वो मेरी मदर का था। उस टाइम में लोग बोले कि अगर आप ये पैसे, अगर जो जो मेरे देखो, पैसे चले अब गए ना थे चला गया सो चला गया, अब देखो फ्यूचर में यही रखो, कभी भी लालच में नहीं पड़ो। शॉर्टकट पैसे, ऐसे बहुत सारी स्कीम है हमारे देश में, कोई भी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जैसा काम नहीं है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लिए जाएंगे, डबल कर देंगे, प्रॉफिट करेंगे, ट्रेड करेंगे, क्रिप्टो करेंसी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उल्टा ये फ्रॉड है, जहाँ पे पैसे कमाने के चक्कर में उल्टा आपसे पैसे लूट लिए जाते हैं। बहुत सारे जी फ्रॉड का जॉब है, डाटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग, कैप्चा फिलिंग, जैसा भी जॉब है, जो कि कम्प्लीटली फ्रॉड होता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज आए, टेलीग्राम पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं भी ऐसा कोई भी ऐड दिखे, कहीं भी लालच में ना पड़े, पैसा ना दे, क्योंकि लालच में आप जब पड़ते हैं तभी पैसा, अगर इतना आसान होता कि डबल पैसा कमाना तो सारी दुनिया लोग यही कर रहे होते हैं, कोई रोड पे या कहीं मेहनत या किसी ऑफिस या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं कर रहा होता।
जी सर, वो अब आपने एक्चुअली सर जो कंप्लेन मैं की है तो आई थिंक शुरुआत मेरे ख्याल से प्रॉपर कंप्लेन हुई नहीं, या हुई भी है तो अब आपने उसको अब फॉलो अप नहीं किया कि किसी को पता ना चले इस वजह से, तो अब इसमें कुछ हो तो नहीं सकता है। अब आगे से आप ध्यान रखें इसका। कुछ पेमेंट रिकवरी नहीं हो सकती सर इसकी? रिकवरी हो सकती है ना, तो वो तो आपने उस समय कंप्लेन किया, आप उसमें अकाउंट किसी का फ्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, अगर फ्रीज हुआ है तो फिर आपको उस पुलिस को कोऑर्डिनेट करना होगा, पुलिस वाले कई बार अपने आप देते हैं, या फिर कोर्ट का ऑर्डर लाना होगा, फिर जाके वो पैसा आपको मिलता है। जी सर, अभी ऑनलाइन जो पोर्टल पे मैं चेक कर रही हूँ तो मेरी कंप्लेन 100% क्या दिखा रहा है, ओपन दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? भी अगर कोई भी साइबर क्राइम से रिलेटेड, अकाउंट फीस से रिलेटेड कोई भी इशू है, आप व्हाट्सएप करें, वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।